नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का सूप। उसके लिए जो हमें सामग्री लगेगी वो है, ये हमने एक बड़ा कटोरा पालक लिया है, एक गड्डी हमने पालक ले लिया, 3 टमाटर हैं जिन्हें हमने काट लिए हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसके हमने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए, 1/2 छोटी चम्मच नमक और काला नमक, और 1/2 छोटी चम्मच सादा नमक है, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची है। मसाले हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। काली मिर्ची अगर हमको ज़्यादा पसंद हो, ज़्यादा तीखा पीना हो तो हम तीखा कर लेते हैं, और कम तीखा रखना हो तो हम काली मिर्ची कम डालेंगे। और 1 चम्मच मक्खन है सूप में डालने के लिए। मक्खन की जगह हम घी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, और ये घी है क्रूटॉन्स तलने के लिए, सेकने के लिए, और ब्रेड क्रूटॉन्स बनाने के लिए, और क्रीम है सूप पे ऊपर से डालने के लिए। क्रीम भी आवश्यक नहीं है कि आप क्रीम डालें, अगर आप बिना क्रीम के पीना चाहें तो हम बिना क्रीम के भी सूप पी सकते हैं, इसलिए क्रीम कोई आवश्यक नहीं है। अब हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डाल लेंगे, और ये पालक, पालक टमाटर व अदरक डाल करके इसको ढक करके और टमाटर और पालक के गलने तक उबलने देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। अब हम ब्रेड से क्रूटॉन बनाएंगे। क्रूटॉन सूप में अगर हम डालते हैं तो डाल सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है। क्रूटॉन डालने से थोड़ा सूप का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अगर हम डाइटिंग के हिसाब से सूप पी रहे हैं तो हमें क्रूटॉन और घी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्रूटॉन तलने में बहुत ज़्यादा घी लगता है। इसलिए अगर हम क्रूटॉन नहीं डाल रहे हैं तो भी कोई आवश्यक नहीं है। बच्चों को ये सूप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए हम क्रूटॉन बना रहे हैं। बाकी अगर हम बिना क्रूटॉन के भी सूप पीते हैं, बनाते हैं, तो अच्छा लगेगा। ब्रेड को हम इस तरह से छोटे छोटे चौकोर पीसेस में काट लेंगे। ये हमने 3 ब्रेड काटी है, और 3 ब्रेड के ही देखिए एक कटोरा भर गया, बहुत हो गए क्रूटॉन, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये हमारे इसमें उबाल आ गई है, और अब हम इसे तो उबलने देंगे। अभी हमारे टमाटर नहीं गले हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा और उबलने देंगे, वापस ढक देंगे। और क्रूटॉन्स को हम तवे पे फ्राई कर रहे हैं, सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में घी डाल करके और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हम इन्हें सेलो फ्राई कर रहे हैं। तवे में हम 1 चम्मच घी डालेंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे। ये हमारा घी गर्म हो गया, अब हम इसमें ये ब्रेड के टुकड़े डाल करके और इनको सेक लेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से सिक गए, अब हम इन्हें चाकू की मदद से, चम्मच की मदद से पलट देंगे, और दूसरी साइड से भी इन्हें सेक लेंगे। हाँ, गैस को हम कम कर लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। एक साइड सिक गई है, और अब हम इन्हें सबको पलट दिया है चाकू की मदद से, और ये दूसरी साइड से भी सिक जाएंगे। अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। हाँ, अब ये सिक गए हैं दोनों तरफ से, देखिए। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और थोड़ा घी और डाल के, और दोबारा से इसी तरह से बाकी के क्रूटॉन्स सेक लेंगे। ये हमारे पालक और टमाटर दोनों उबल गए हैं, टमाटर गल गए हैं, पालक भी गल गया है, और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा
ठंडा होने देंगे। ये क्रूटॉन्स हमने सारे सैलो फ्राई कर लिए और हमारा सूप का ये भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे जार में डाल करके और बारीक मिक्सर में पीस लेंगे। इसका ये पानी हम थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि जब हम पीसेंगे तो एकदम से पानी ऊपर आएगा जार पे और बिखरने का डर रहेगा, इसलिए हमने पानी कम कर लिया। सिर्फ पालक पालक को हम पीसेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें ये पानी भी डाल लेंगे और एक बार हल्का सा दोबारा घुमा लेंगे। अब हम इसे एक जाली की सहायता से या चलनी से पालक को दूसरे बर्तन में छान लेंगे सूप को। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है। जार को थोड़ा साफ़ कर लेंगे पानी डाल के छान लेंगे। ये छानने पे जो टमाटर के छिलके वगैरह बीज वगैरह हटे आए हैं इन्हें हम अलग साइड में हटा देंगे। हमने थोड़ा पानी जब डाला था छानते समय और थोड़ा सा हम और डाल लेंगे। आधा गिलास हमने पानी और डाला है, एक गिलास हमने उबालने में डाला था और इस ये 3-4 कटोरी सूप बना है तो ज़्यादा पतला नहीं होता है सूप, इसलिए हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमारे सूप की कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और अब हम इसे वापस गैस पे उबालने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने आधी चम्मच नमक लिया था, आधा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो खारा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ चौथाई चम्मच नमक डाल रहे हैं। चौथाई चम्मच काला नमक और चौथाई चम्मच सादा नमक, चौथाई चम्मच काली मिर्ची। अगर हमें और तीखा करना होगा तो हम और डाल लेंगे। टेस्ट कर लेना आप और टेस्ट के हिसाब से आप नमक और काली मिर्ची बढ़ा लेना। अब हम इसे उबालेंगे। इस सूप में हमारे उबाल आ गई है और अब हम इसे 3-4 मिनट और उबाल लेंगे और फिर हम इसमें मक्खन और नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच मक्खन डाल लेंगे। मक्खन ना हो तो हम घी भी डाल सकते हैं और अगर हम वही मैंने जैसा कि पहले बोला हम डाइटिंग के लिए सूप बना रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं और हमको सूप बना के पीना है तो हम मक्खन और घी दोनों में से कुछ भी ना डालें तो भी सूप अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और एक चम्मच हमने मक्खन डाल दिया, एक चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे और एक मिनट और पकाएंगे। मक्खन के अच्छे से घुलने तक हम इसे एक मिनट और पका लेंगे। ऊपर से हम इसमें क्रीम और क्रूटॉन्स डाल करके और सर्व करेंगे। आप पालक का सूप बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा और हेल्दी और टेस्टी। सर्दियों में गरम गरम सूप बहुत अच्छा रहता है। आप इसे रोज़ बना करके पी सकते हैं। आप पालक का सूप बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।